आशी बोलो। अहमद, ये कोई तरीका होता है बात करने का? बंदा हेलो हाय करता है, खैरियत मालूम करता है। अगर तुमने नहीं बात करनी ना तो मैं फोन रख देती हूँ। सॉरी यार, थोड़ा बिजी था। वैसे हमने तय तो किया था ना कि एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अहमद, मैं एक जीती जागती जिंदा इंसान हूँ, कोई गुड़िया तो नहीं हो ना? वैसे भी हमारी शादी होने वाली है कुछ दिनों में, थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो नेचुरली आ ही जाती है ना। खैर, तुम्हारा मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है, तुम ठीक हो ना? शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया। वैसे मैंने तुम्हें सोफिया के एक्सीडेंट के बारे में बताया था। आउट ऑफ कर्टेसी उसका हाल पूछ लेती। इशरत आंटी से उसकी खैरियत पता चलती रहती है। फिर भला मुझे क्या जरूरत है उसे फोन करने की? और अब सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा प्रेजेंट हो अहमद। इसे क्या हो गया? कैसी हो बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओ फिर घर चलना। नहीं, मुझे यहां से कहीं नहीं जाना। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारा असल घर वही है। मैं जानता हूं सोफिया, तुम इस नफरत और बेजारी का इजहार हमारे सामने इसलिए करती हो ताकि हम लोगों का दिल साफ हो जाए तुम्हारे लिए। सोफिया बेटी, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। बेटा, बहुत सजा भुगत ली है तुम, अब हंसी खुशी जिंदगी गुजारो हमारी मोहब्बतों के साए तले। हाँ, वो बात तो रह गई जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा। भूल जा।